हम पहुंच चुके हैं अक्सर जहाँ पे बहुत से लंगर लगे हुए हैं। और ये ने अभी लंगर खाया, कैसा लगा आपको? और जो सोया की खीर थी बहुत ही बढ़िया थी। और ये भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन, जय भोलेनाथ, हमारी यात्रा मंगल में करना। चलो ये गोलगप्पे का लंगर है, खाएंगे गोलगप्पे आप? ये गोलगप्पे का लंगर। तो हम अब पहुंच चुके हैं हटसर, जहां से यात्रा शुरू होती है। तो अब निकलेंगे हम मणिमहेश ट्रैक की ओर। ये देखो ये भूखे, इनको हमने बताया कि खीर का लंगर लगा है, तो फिर से वो खीर खाने के लिए पीछे पीछे चले गए। बड़े दौड़ते ही गए सारे खीर खाने। तो मिलते हैं इनको आगे हम, और दिखाते हैं आपको मेन गेट, जहाँ से मेनली ट्रैक स्टार्ट होता है मणिमहेश यात्रा का। तो अभी मौसम भी खुल गया है, थोड़ा सा बारिश भी बंद है और हल्का हल्का सा शिव जी करे ऐसे ही रहे। हाँ तो ये थोड़ी सी कुछ नहीं है, हो जाएगा ठीक। ये भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहेगी। और ये खा रही है अभी बेसन खाने के पूरे मजे लगे हुए हैं। तो थोड़ा 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 हम किसी को नाराज नहीं कर रहे, हम सभी लंगर से खाते आ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर आपको, कि मान ही नहीं रही है खा खा के, कभी बेल खा रही है, कभी खाना खा रही है, कभी खीर खा रही है। हाँ देख सकते हैं आप मेरा बालू बना हुआ है। आज पहली बार ये इतने लंबे ट्रैक के लिए जा रही है, पहली बार क्या, जाती नहीं है, चलती नहीं है, इतना पैदल चली नहीं है। बट पर चलो, इतना लंबा ट्रैक और टफेस्ट ट्रैक जो है एवर करने जा रही है। हमें सामने जो पहाड़ी दिख रही है, इसी के रास्ते से जाना है ऊपर हटसर। हटसर से जाएंगे हम धनछो। आज हमारा स्टे जो है वो मेनली धनछो में होएगा। वो सामने वाटरफॉल देखिए, कितना सुंदर वाटरफॉल है। नवी और यशु अभी तक नहीं आए हैं। वो सामने रहा मेन गेट, जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। जय शंकर महाराज। तो लेके प्रभु का नाम हमने यात्रा शुरू कर दी है, और भगवान की कृपा से सारे हम कुशल मंगल हैं अभी तो, और बढ़िया से ट्रैक करेंगे राम राम से। और यशु और नबी भी आ चुके हैं, तो मिलते हैं आपको। ये रहा मेन ट्रैक, वो सामने कितनी ट्रैफिक है, कितनी गाड़ियां पार्क हुई हैं आप देख सकते हैं। तो सभी ने अपना श्रृंगार कर लिया है, भोलेनाथ के त्रिशूल, ओम से चंदन तिलक, ये यहाँ पे नवी ने तीन तीन। तो यहाँ से हम निश्चित यात्रा जो है स्टार्ट कर चुके हैं। तो लेते हैं जय भोले का नाम, बोलो भोलेनाथ की जय। बस बो बाबा, ये है वो रास्ता जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, मतलब कठिन यात्रा। यात्रा तो हमने थोड़ा टाइम पहले शुरू कर दी, बस नीचे नहीं देखना है। यहाँ पे देख लीजिए कितनी खाई है, और बट भोलेनाथ सबके साथ हैं, तो सबकी रक्षा वही करेंगे। वो सामने हमें बस इस जो ये हल्का सा नाला सा दिख रहा है आपको, यही डल लेक का पानी है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, बस इसी के किनारे किनारे हमें वो ऊपर ऊपर जाना है। सो गाइस, अब लगी है चढ़ाई, तो जाते हैं अभी। अभी हम हटसर से ऊपर हैं, अब जाएंगे हम घनछो, तो देखते हैं क्या बनता है। रास्ता है ऐसा कीचड़ वाला। वो चले हमारे चाची नवी भैया और ये चाचू। बस वो सामने से आए हैं अभी हम, है ने? नीचे से शुरू करने के बाद हमें फर्स्ट टाइम टेंट दिख रहे हैं, और ये अब इसके ऊपर थोड़ा सा रहा है तुमको पहुंचने के लिए। अब सिर्फ
2 किलोमीटर बचा है शायद, है ना? 3 किलोमीटर है अभी लगभग। वो सामने धूप खिली हुई है, वो व्यू देखिए, बस उसी के ऊपर, अभी उससे भी ऊपर जाना है हमको। आज हमारा स्टे धनशो में है, तो यहाँ से लगभग हम अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आ चुके हैं और 3 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। तो अप्रोक्सीमेटली हमने 7 बजे का जो है वो अनुमान लगाया कि 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, बाकी देखते हैं। जय भोलेनाथ। ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल व्यू एंड ब्यूटीफुल वाइब्स। जय भोलेनाथ। अभी हम आराम करने बैठे हैं, जस्ट धनशो से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है और नेह के पसीने से देखिए बुरी हालत हो चुकी है। चलते चलते तो गर्मी बहुत है, वैसे ठंड है बट गर्मी है। जो हमने वो त्रिशूल वगैरह का श्रृंगार किया था भोलेनाथ का, वो सारा मेरा तो जा चुका है, अब हल्के निशान ही बचे हैं। बाकी अब बस पहुंचने की देरी है, आज धनशो में स्टे करेंगे और यहाँ पे हेलीकॉप्टर सुविधा भी है जो सुचारू रूप से चल रही है। आज हमारे सामने अबाउट 50-60 राउंड लगा चुका है, तो उसका जो किराया है मात्र एक साइड का 3800 है, जो टोटल दोनों साइड का 75 राउंड ऑफ किया गया है। तो जो भी इच्छुक हो वो आ सकते हैं, 23 सितंबर तक ये मेला चलेगा। तो मिलते हैं आपको धनशो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। फाइनली हम धनशो पहुंच गए हैं, ये रहा पीछे धनशो। धनशो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक धनशो ही है। और जो धनशो की कहानी है, धनशो में वाटरफॉल है, चलो चलते चलते बताते हैं इनको। धनशो में वाटरफॉल है और वाटरफॉल इसलिए फेमस है क्योंकि जब भस्मासुर को भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि आप जिस किसी को भी भस्म करना चाहें आप कर सकते हैं छू के, तो भस्मासुर में इतना अभिमान आ गया कि वो भोलेनाथ को ही भस्म करने के पीछे दौड़ पड़ा। तो भोलेनाथ ने जो ये धनशो का जो वाटरफॉल है उसके पीछे जाके छिप के अपने आप को भस्म होने से बचाया था। तो ये धनशो के वाटरफॉल की कहानी है। तो ये रही कहानी, तो मिलते हैं आपको आगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद हिमाचली चंबा वाले। बोल शंकर भगवान की जय, बोल उमापति महाराज की जय, बोल ब्रह्माणी माता की जय, बोल गोरा। पहुंच गए हैं धनशो के बेस वन पे, जहाँ पे बहुत चहल पहल है और बहुत ही बढ़िया लंगर लगे हैं भोले के। ये पीछे गुलाब जामुन पनीर, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ये भोलेनाथ के दर्शन, सामने मेडिकल कैंप भी लगा है मेरे पीछे। जय भोलेनाथ। गाइस अभी हमने फाइनली अपना जहाँ पे रहना है धनशो में नाइट स्टे करना है वो हमने चूज कर लिया है। हमारा ठिकाना रहा ये नवी और यशु भी बैठे हैं साथ में, ये यहाँ पे सोएंगे हम। और यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट है, पर पर्सन 100 रुपीज़ आप रह सकते हैं। कंबल देखिए कितने रखे हैं, तो आराम से आप कर सकते हैं नाइट स्टे यहाँ पे। तो अभी हम फिलहाल डिनर करने जा रहे हैं और फ़ोन चार्जिंग पे लगा के जाते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट कि क्या नेक्स्ट मॉर्निंग। तो क्या अभी उसके बाद हम आएंगे तो अपना सेटअप दिखाएंगे कि यहाँ पे हम कैसे सो रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद हिमाचली चंबा वाले।